गाइस इधर गाइस इस साइड तो मैं आपका प्यारा दोस्त और होस्ट कुणाल कर और आज की वीडियो मैं लेकर आऊँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंप्लेंट 1 मंथ 2 मंथ और उसकी स्ट्रेटजी। बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वही बता रहा हूँ। और आज मैं चैनल पे जो गेस्ट को बुलाया है उनसे पूरे रिसोर्सेज की बात कर लेंगे कि भाई इतने बड़े रिसोर्सेज हैं उनमें से ये वाले रिसोर्सेज पढ़े जाएं बस, और उससे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जो आपकी जर्नी है, जो आप प्लेसमेंट प्रेपरेशन कर रहे हो उस जर्नी को बहुत इजी तरीके से हम हैंडल करेंगे और बताएंगे वो कोर चीज़ें कि आप ये कर लीजिए, इसमें से यही चीज़ आती है और यही चीज़ पूछी जाती है। हुई ना बात, कुछ हजम हो रही ना? तो हाँ, फिर बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं अपने गेस्ट के पास। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में ना मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम, तो फिर फटेक से इस वीडियो को ना हम अपने आज के गेस्ट के इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइज, आई एम मोहम्मद फरास, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सो आई हैव बीन प्लेस्ड एट क्योरफिट एंड वी आर हियर टू डिस्कस द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्रैक अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो जैसे भाई ने बता दिया ना कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना है तो सीट बेल्ट और रोलर स्केट बैंड के बैठ जाओ, क्योंकि अगले कुछ 5-6 मिनट में ना पूरा आ जाएगा आपके सामने मैथ और कर देंगे पूरा स्ट्रक्चरिंग वर्किंग कर देंगे आपके सामने कहाँ से कितना पढ़े, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कितना पढ़ना है, बस यही सफिशियंट होता है। और उससे आप फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बैठे होगे थोड़ी देर बाद, शायद हम दोनों में से किसी को थैंक यू बोल दोगे। अच्छा तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भाई ये क्वेश्चन रहेगा कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी है, क्योंकि बहुत फंडामेंटल बड़ा सारा सीएस का, क्या ये बताइए, थोड़ा क्लियर कीजिए इसको। हाँ, तो जैसे कि आपने ये देखा होगा कि आपका जो जब आप जेई एडवांस के लिए पढ़ते हो, जेई मेंस के लिए पढ़ते हो, तो भी जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज पढ़ने से भी नंबर आ जाते हैं। वैसे ही प्लेसमेंट का है कि आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग एग्जाम्स हैं देने के लिए, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम चीज़ें जो आपको करनी है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, एंड डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज अ स्पोर्ट्स या आप कम्पीट करते हो विद अदर पार्टिसिपेंट्स, वेर एज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इज अ वेरी बेसिक थिंग विच इज बींग टॉट इन द कॉलेजेस बट नॉट टू दैट लेवल। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको DSL को पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, ट्रीज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, ये सब पढ़ाया जाता है, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सेकंड आपका आता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। अब उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आई एम टेलिंग, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेदर इट इज जावा और C++। सेकंड नंबर पे आपका आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। ठीक है, इसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं, वन इज द थ्योरेटिकल पार्ट एंड अदर इज द SQL। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो टाइम बचता है तो आप ये थर्ड वाली चीज़ कर सकते हैं, वरना स्टार्टिंग के दो कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर बोथ द कोर ब्रांचेज एज वेल एज द CS ब्रांचेज। ये दोनों ही इनको करना है फॉलो। चलो अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा है आपका प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, तो लेट अस से आपका कोई Tier 3 कॉलेज है। ठीक है, Tier 1 कॉलेजेस में तो ऑब्वियसली कंपनीज विजिट करती हैं कैंपस को, तो आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप कंपनी में बैठ पाएंगे। ठीक है, कंपनी में बैठना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी में इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करना। बट आप Tier 1 में हैं तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कंपनीज आपका कैंपस विजिट कर रही हैं, लेकिन इफ़ यू आर इन अ Tier 3 कंपनी यू हैव टू गेट योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू मेंशन सम गुड प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे, क्योंकि रिक्रूटर्स उन्हीं को देखते हैं, मेनली वही पार्ट होता है जो आपने खुद से किया है। सो ट्राई टू मेंशन एटलीस्ट 2 गुड प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द इंटरव्यूज आफ्टर वैन यू क्लियर द फर्स्ट राउंड एंड वैन यू एक्चुअली गो फॉर द इंटरव्यू, तो उसमें जो डिस्कशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो कि मैंने सबसे पहले बताया। और उसके बाद जब टाइम बचता है द इंटरव्यूअर दे टेंड टूवर्ड्स आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स। If you don't have a project, then आपका एक disadvantage ये है कि he will again questions from DS and Elgo, which will be new and which will be difficult to tackle. तो projects होंगे तो आपने अपने आप से किया है, so you have enough material, you know what you have done, so that is kind of easy to tell what you have done. ठीक है, ये तीन चीज़ important है। अब हमें discuss ये करना है कि इनको कैसे किया जाए within a limited time. ठीक है,
तो अगर आपके पास टाइम कम है, लेट से 2 महीने हैं या 3 महीने हैं बिफोर द प्लेसमेंट स्टार्ट, तो मैं इसमें ये तो एश्योर नहीं कर सकता दैट यू विल बी एबल टू कवर डीएसएल गो टू सच एन एक्सटेंट कि आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन फॉर श्योर क्रैक कर पाए। एनीवेज इट इज योर लक, बट ये श्योरिटी नहीं होती है। सो स्टार्ट वर्किंग बिफोर स्क्रैच से आप स्टार्ट करेंगे 2-3 महीने में, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारा कुछ कवर कर पाएंगे। स्टार्ट हाँ बिल्कुल एटलीस्ट 6 मंथ्स टाइम, ठीक है? अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यू हैव कॉन्टेस्ट, वी हैव कॉन्टेस्ट ऑन वीकली बेसिस एंड इवन ऑन बाई वीकली बेसिस। अच्छा, वो करने कहाँ से है? क्योंकि यू हैव प्लेटफॉर्म सच एज कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तो जो प्लेसमेंट के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है लीड कोड, ठीक है? सो लेट मी जस्ट गो एंड प्रेजेंट ऑन माई स्क्रीन वॉट इज लीड कोड। सो दिस इज द लीड कोड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं ऑन एवरी संडे 8 AM एंड ऑन एवरी अदर सैटरडे। बाई वीकली कॉन्टेस्ट इज ऑन एवरी अदर सैटरडे 8 PM। तो इसमें पार्टिसिपेट करिए फॉर 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली विदाउट लीविंग द कॉन्टेस्ट। इन केस अगर आपका कोई कॉन्टेस्ट छूटता है देन देयर इज अ ऑप्शन टू डू इट वर्चुअली एज वेल, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी कॉन्टेस्ट की बात। अब लेट अस से यू आर न्यू, ठीक है? तो उसमें कई बार ये होता है कि कॉन्टेस्ट में आप स्टक हो जाते हैं, यू आर एबल टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस, देन यू फेस सम डीमोटिवेशन, राइट? तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है बिकॉज इट इज समथिंग न्यू दैट हैज कम टू यू। सो यू हैव टू एक्चुअली ट्राई लर्निंग दोज थिंग्स, ठीक है? तो उसके लिए अपसॉल्विंग होती है, अपसॉल्विंग कीजिए। एंड इवन ऑन माई चैनल आई अपलोड सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस राइट आफ्टर द कॉन्टेस्ट। जैसे कॉन्टेस्ट खत्म होता है मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर देता हूँ विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग। सो यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक इट आउट, द लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। सो इसके बाद दोज हु आर वेरी न्यू, ठीक है, उनको ये रहता है कि हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया है तो हम कहीं स्टक ना हो जाएँ। सो दे आर अफ्रेड टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट डायरेक्टली, ठीक है? तो मैंने उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई है फॉर दी वेरी बिगनर्स। दिस इज़ दी प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज। इस सीरीज में मैंने स्टार्टिंग से टॉपिक्स उठाए हैं बिल्कुल बेसिक से। यू शुड नो एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज द रिक्वायरमेंट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोई सी भी आती हो, दैट इज इनफ। यू कैन स्टार्ट विद दिस प्लेलिस्ट एंड वी आर कवरिंग एवरी टॉपिक विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यूज। और जो लोग जिनके पास कम टाइम है 2 महीने का 3 महीने का, जो क्विक रिविजन चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट दी दे कैन ऑल्सो डू द क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट एज वेल, ठीक है? तो ये डीएसएल गो का पार्ट हो गया। अच्छा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग देन यू कैन आस्क। तो जैसे कि मतलब फराज भाई ने बता दिया ना कि डीएसएल को इम्पोर्टेंट है, उप्स इम्पोर्टेंट है, फिर उन्होंने बात की नेटवर्किंग की, फिर उसमें डीबीएमएस आ गया, तो ये सब पढ़ने की है। बट उसमें उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ के जानी जानी होती हैं, जो भी पूछी जाती हैं। बाकी सब होता है कि ऊपर वो चीनी वीनी जड़ देते हैं, ऊपर शो ऑफ के लिए बन जाता है बड़ा सा, बट उसमें से जो इफेक्टिवल चीज़ है वो पढ़नी है। और उन्होंने वो बता दिया, जैसे डीएस का उन्होंने बताया कि कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, बट उन प्लेटफॉर्म में से कुछ प्लेटफॉर्म उन्होंने अभी बताए वीडियो में साथ ही में, और उन्होंने एक प्लेलिस्ट बताई है अपनी, आप जाके उसे चेकआउट कर ले, उसमें सारा कवर कर रखा है। तो वो प्लेलिस्ट कुछ ऐसे बोल सकते हैं हम कि हाउ टू क्रैक फैंग इन 2 मंथ्स, लाइक दिस कुछ बोल सकते हैं। बट उन्होंने बोला प्लस लक भी लगा दिया, उन्होंने सरप्लस में लक लगा दिया कि अगर आपका लक साथ दिया तो आप क्रैक कर जाओगे और बैठे होगे पेटीएम वेटीएम में कहीं, अमेजोन गूगल में 40-50 लाख के साथ, ठीक है? तो फिर ये रहता है। फिर अब ना फराज भाई फटाफट ये बताओ कि ये जो बाकी फंडामेंटल्स बचे हैं, उप्स बचा है, डीबीएमएस बचा है, इनका इफेक्टिव बताओ कहाँ से किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ देखो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है इसको करने का, वाइल यू आर डूइंग इट फॉर द अकेडमिक्स। सी एस वाले जो बच्चे हैं ना, उनके ये सब्जेक्ट्स अकेडमिक्स में होते हैं इन द सेकेंड ईयर एंड इन द थर्ड ईयर, ठीक है? तो ये जब आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, तो इसको हवा में मत लो, बिकॉज यू विल बी आस्क क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, उसी टाइम अच्छे से पढ़ लो। वाई टू वेस्ट योर टाइम लर्निंग इट अगेन, उसी टाइम इसको अच्छे से करो। यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतनी सारी प्लेलिस्ट, अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, यू कैन स्टडी दो सब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर। बहुत अच्छा टाइम मिलता है वो, 6 मंथ का थोड़ा सेमेस्टर होता है। ये सब्जेक्ट अच्छे से करो, बाकी आप मत करो, बाकी आप मुझे पता है कि मार्क्स कैसे आते हैं, बट ये वाले जो सब्जेक्ट है ना ये अच्छे से कर लो। देन एक उप्स के लिए मैं एक बुक बताना चाहता हूँ, ई बाला गुरु स्वामी। ई बाला गुरु स्वामी इज़ अ बुक विच इज़ रिटन इन वेरी इजी इंग्लिश, उसकी इंग्लिश है बहुत आसान, और उसमें पूरा पढ़ लोगे ना बुक तो कोई भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, पूरा कवर कर देती है।
बहुत ही ईजी है, यू कैन डू इट इन अ वीक इफ़ यू वॉन्ट रीड इट, ठीक है। तो ये आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात हो गई। बाकी आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए तो आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, या तो वेब डी कर लो, या एंड्रॉयड कर लो, या एमएल कर लो, डेटा माइनिंग, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, और जैसा कि अभी हमने ये बोला है कि लक वाला जो फैक्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी भी है, अगर आप पूरे श्योर हो कि हाँ भाई निकल जाएगा, तो इसमें भी लक बहुत काम करता है। कई बार क्या होता है कि उनकी जो उनको 10 कैंडिडेट चाहिए, स्टार्टिंग के 10 कैंडिडेट आ गए, वो सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी कितने भी अच्छे होंगे दे वोंट बी सेलेक्टिंग दोज कैंडिडेट्स। लक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड आफ्टर योर रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन के बाद डीमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपकी तैयारी है तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा, कैंपस से नहीं तो ऑफ कैंपस लग जाएगा, मतलब तैयारी है तो लग जाना है, तैयारी पर फोकस करो, बाकी लक इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। So don't get demotivated even after preparation if you don't get तो फिर अभी ना वो फटक से रिजल्ट आ चुका है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कुछ 5-10 मिनट बाद रिजल्ट आ जाएगा, इस वीडियो का रिजल्ट आ चुका है, तो बुक भी आ चुकी है, जो प्लेसमेंट प्लेलिस्ट की बात की है वो भी आ चुकी है प्लेसमेंट के लिए, उप्स का भी आ चुका है, और DBMS का बोला जाए तो उन्होंने बोला कि एकेडमिक्स के साथ करें, ऐसे उड़ा मत दें हवा में, रे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसा मत करें, उन्हें थोड़ा फोकस करके पढ़े। और साथ ही में ना उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि CP और DS से अलग है, लोग इनको पैरेलल लेके चलते बजाय भी मिक्स कर देते हैं, भाई मैं तो CP कर रहा हूँ, DS से तो हो गया, नहीं उन्होंने बोल दिया कि दोनों फ़र्क फ़र्क में फिल्टरिंग कर रखी है कंपनीज में, अलग अलग हैं, तो ट्राई करो कंसेप्ट्स पे ग्रास्प करने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और फराज भाई के चैनल को चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फटक से जाके DS से सीखो, और फिर बाद में बताना 2 महीने बाद भैया हम पहुँच गए हैं फैंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ऑसम एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फराज भाई, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।